नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश बकोरे एक और नए वीडियो में आपका स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और आपके सभी पालतू परिंदे एकदम मस्त होंगे। दोस्तों, आजकल सभी भाइयों की कमेंट आ रही है कि भाई कबूतर सुस्त होते जा रहा है, दाना नहीं खा रहा है, पर फुलाकर एक कोने में बैठ रहा है, तो इसका कोई इलाज बताएं, क्या इलाज करें, दवाइयाँ दे दे के परेशान हो गए। तो भाई मैं खुद भी दवाई दे रहा हूँ मगर अंग्रेजी जो दवाइयाँ हैं उनसे असर कम हो रहा है। तो भाई मैं जो देसी नुस्खा अपना रहा हूँ जिससे कि अपने कबूतरों को आराम मिला है, मैं आपको 2 मिनट में वो नुस्खा बनाना सिखाऊंगा और किचन के पास ले चलूँगा, किचन के अंदर ले चलूँगा, उसमें ये नुस्खा जो कि मैं हाथ में तैयार किया हूँ ये आपको दिखाऊंगा। तो आइए चलते हैं नुस्खे की ओर किचन में। तो जैसे कि दोस्तों हम आ गए हैं हमारे किचन में और अपने कबूतर के लिए दवाई तैयार करनी है, तो ये आप देख लें, 10 रुपये का पैकेट आएगा, काली मिर्च का पैकेट है भाई, और काली मिर्च इसको ब्लैक पेपर भी बोलते हैं, और ये लौंग, ये फूल वाले लौंग होना चाहिए। तो भाई दो चीज़ें हो गई, तीसरी चीज़ हमें चाहिएगी जायफल और चौथी चीज़ हमें चाहिएगी गुड़। भाई मैं गुड़ लेके आया हूँ, अभी 1 किलो गुड़ लेके आया हूँ। भाई पुराना गुड़ मिल जाए तो बहुत ही अच्छी बात है, तो ये गुड़ में से हम थोड़ा सा इसमें निकाल लेते हैं, ज़्यादा गुड़ नहीं चाहिएगा हमें, थोड़ा सा चाहिएगा। इसके लिए हमें दवाई तैयार करनी है। जो कबूतर आपका सुस्त हो रहा है, दाना नहीं खा रहा, ठंड में चला गया, ठंड लग गई है, उन कबूतरों के लिए ये दवाई है। जो भाई दवाई कर कर के थक गए हैं, मेडिसिन दे दे के परेशान हो चुके हैं, उनके कबूतर को कोई आराम नहीं मिल रहा है, उस कबूतर के लिए भाई ये घरेलू दवाई है। और आप देख लें इसको, जायफल को भी भाई अपने को थोड़ा सा निकालना पड़ेगा, तो अभी मैं निकालने की कोशिश करता हूँ। ये आप देख सकते हैं बहुत गर्म चीज़ होती है भाई ये, तो ये ऐसा निकलेगा, ज़्यादा नहीं चाहिए भाई, थोड़ी मेहनत लगेगी मगर निकल जाएगा, बहुत ही गर्म दवाई है। और इससे क्या है कि जो उनके अंदर की एनर्जी ख़त्म हो रही है, दाना पानी नहीं खा रहे हैं, उसकी भी कमी पूरी हो जाएगी, क्योंकि हम लोग इस चीज़ को डायरेक्ट इंजेक्शन सिरिंज की सहायता से उनके पोटे में डालेंगे, उनको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो भाई ये देखिए मैंने इतना काट लिया है, और जो हाथ में लगा है इसको, ये अपने बर्तन में पानी है, थोड़ा सा ही पानी लेना है, करीब 1/2 से 1/4 कप, और उसके अंदर ये चीज़ें सारे इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो मिक्स कर लेना है, और ये जायफल की खुशबू बड़ी मस्त होती है। तो भाई अभी मेरा एक छोटा सा काम बाकी है, काली मिर्च और लौंग को पीसना है हल्का सा। तो ये आप देख सकते हैं, ये मैंने गुड़ डाल दिया है पानी के अंदर, और जायफल भी डाल दिया है। अभी थोड़ी 2 से 3 काली मिर्च और 2 से 3 लौंग लेना है, ज़्यादा नहीं लेना है, आपके कबूतर की क्वांटिटी के हिसाब से ही आपको लेना है। जैसे 4 के लिए बना रहे हैं, 10 के लिए बना रहे हैं, तो हर एक कबूतर के लिए एक एक लौंग एक एक काली मिर्च का अंदाज़ा आप लगा लें। तो मैंने 3 से 4 कबूतर के लिए बनाना है, तो ये 4 लौंग मैंने ले लिए हैं, और काली मिर्च लेना है, और बड़ी आसानी से किसी भी किराना स्टोर पे ये सामग्री आपको मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। तो भाई ये मैंने 4 काली मिर्च ले ली है, बाकी सामान को आप वापस से पैक करके रख दे भाई। तो भाई ये हमने लौंग और काली मिर्च को भी पीस लिया है, और ये भी अब हम डाल देते हैं, बंद करना। तो दोस्तों हम लोगों ने सारे इंग्रेडिएंट्स डाल दिए हैं, जो जो हमारी सामग्रियां थी, और भाई ये बहुत ही जल्दी उबलने लगा है, और इसको थोड़ा हम चलाते रहेंगे, और इसका जो काढ़ा बनेगा ना भाई बहुत ही मस्त बनेगा। और इसको कबूतर को सिर्फ और सिर्फ 5 से 7 ml पिलाना है आपको, ये आप देख सकते हैं
ये बर्तन इसी के काम का है भाई, इसमें काढ़ा वाढ़ा बनाते रहता हूँ। तो दोस्तों हम किचन में से ये काढ़ा बना कर ले आए हैं। कौन कौन सी चीज़ें आपने देखी, कौन कौन सी डालना है और कितनी कितनी मात्रा में डालना है अपने कबूतरों के हिसाब से। चार चीज़ें मैंने, गुड़, जायफल, काली मिर्च, लौंग, ये चीज़ें आपको चार चीज़ें डालनी है। और जितने कबूतर, एक कबूतर के लिए एक काली मिर्च, एक लौंग और जायफल, वो तो सभी के हिसाब से थोड़ा सा छील लेना भाई, बहुत गर्म होता है। और पानी लेना है एक कबूतर के हिसाब से 4 से 6 ml पानी लेना है। बाकी उसके अंदर आपको 10 कबूतरों का बनाना है तो उतनी काली मिर्च, उतना ही लौंग और जायफल घिस के चाकू या किसी भी चीज़ की सहायता से डाल लें, उसको अच्छे से उबालें और ये काढ़ा जैसे बन के तैयार हो जाता है। अब इसको मैं उन्हीं कबूतरों को पिलाऊंगा जो सुस्त हैं, तो भाई अब मैं उनको पिला के आपको दिखा देता हूँ। तो भाई ये हमारा जो कबूतर सुस्त है, इनको हमने अलग रख रखा है, और ये जो काढ़ा है अब मैं इसको पिलाता हूँ। सिरिंज की सहायता से हमें इसकी चोंच खोलना है, दो जने रहेंगे तो बेटर रहेगा। ये चोंच खोल के आप इसको आराम से, ये 3 ml की जो है हमारी सिरिंज है, तो इससे करीब 2 सिरिंज भर के हम इसको पिला देंगे। तो भाई एक सिरिंज तो हमने पिला दिया है, एक और पिलानी है। इससे क्या कबूतर की एनर्जी भी बनी रहेगी, क्योंकि इसमें भाई गुड़ डला है, बाकी कबूतर को गरम भी रहेगा। तो भाई हमें 3 कबूतरों को पिलाना है। भाई एक ये कबूतरी जो कि सुस्त है, इसको भी पिला देते हैं। चल छोड़ दे, इतनी जोर से दबाना उसको। छोड़ दे। तो दोस्तों आपने देखा कि ये दवाई मैंने कैसे पिलाई है। तो भाई आप भी अपने कबूतरों को इसी हिसाब से सिर्फ 4 से 6 ml काढ़ा पिलाएं दिन में 2 टाइम सुबह शाम, आपके कबूतर